Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था. 6 फरवरी को मैंने नोटिस निकाला टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली. और इसके अंदर मैंने बुलाया मुख्य सचिव को नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन DDA को, कमिश्नर MCD को, CEO जल बोर्ड को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरीगेशन फ्लड कंट्रोल जो आशीष कुंद्रा हैं, जो आज की तारीख में LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह. और ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके, वरना जनरली ये दोष लगता है ये MCD की ड्रेन है, ये PWD की ड्रेन है, यहाँ DDA का इलाका आ गया, ये NDMC का इलाका आ गया. आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे IAS अधिकारियों को बुलाया गया इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार, नॉट इवन वन IAS ऑफिसर टर्नड अप. इनमें से कोई भी IAS अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया. ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की वाटर लॉगिंग को लेके. मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ, 20 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बता दे, एक 20 राज्यों में, जिसने डीसिल्टिंग को लेके इतना पत्राचार किया हो, इतनी मीटिंग्स की हो और इतना खुल के कहा हो कि इसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं आपके अधिकारी, एक आदमी बता दे. मुख्य सचिव को बोल रहे हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे, PWD प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे, सबूत दे दिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे, कारों को हो रही है, करोड़ों की ठेकेदारी हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं. मैंने तो MHA तक को बता दिया, गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया कि ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो भी MHA ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो भी MHA ने जो है इसी मुख्य सचिव को दोबारा से 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया. तो सब मिले हुए, ये तो सब जो है इन बच्चों की हत्या के दोषी हैं, ये सब हत्यारे हैं और इनकी जांच होनी चाहिए. जो लोग दोषी पाए जाएं, मैं तो कहता हूं जो दोषी पाए जाएं, आप जांच तो कराइए, इसकी जांच तो कराइए कि डिसिल्टिंग क्यों नहीं हुई.